वासुदेवाय सुदेव।
वासुदेवाय चतुर्दशी की मन भावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस दिन श्री नारायण प्रभु जी पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम अनंत चतुर्दशी की मन भावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस दिन श्री नारायण प्रभु जी पूजे जाते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। नमो नमो श्री विष्णु, तुम ही हो जग पालनहार। मात पिता है विष्णु, तुम ही तारणहार। आपकी माया आप ही जाने महिमा अपरंपार। आपको ध्यान से जुड़े आप से मन के द्वार। इस दिन श्री विष्णु का भक्त होता है पूजन। अनेक रूपों में सत्यनारायण का होता वंदन। कण कण में प्रभु वास है, करते करते हैं कल्याण। खुश होकर अपने भक्तों को देते प्रभु जी ज्ञान। अनंत रूप में नारायण कृपा बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस दिन श्री नारायण प्रभु जी पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। द्वापर युग की बात है भक्तों, सुनो लगा कर ध्यान। श्री नारायण जन्मे थे ले रूप कृष्ण भगवान। एक बार युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का बहुत ही सुंदर था निर्माण किया। तभी दुर्योधन यज्ञशाला में एक दिन आता है। समझ सकाना जल थल को जल में गिर जाता है। अंधे का अंधा है बेटा द्रौपदी बतलाई। चुभ गई कर्कश वाणी उसको द्रौपदी इठलाई। अब तो बदला दुर्योधन फिर लेना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस दिन श्री नारायण प्रभु जी पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दुर्योधन ने एक युक्ति बनाई है। शकुनी मामा से मिल द्यूत क्रीड़ा रचाई है। द्यूत क्रीड़ा में पांडव अपना हार गए धन धान। वस्त्र आभूषण भी हारे हैं, हार गए सम्मान। अंत में द्रौपदी को भी भक्तों हार गए बलवान। बैठ गए शनि सिर पर ना फिर बचा सके सम्मान। फिर तो प्रतिज्ञा के अनुरूप पांडव वन आए। दर दर भटके वन वास पा दुख अति है पाए। एक दिन कृष्ण पांडव से फिर मिलने आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस दिन श्री नारायण प्रभु जी पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कृष्णा को दुख अपना बतलाया।
श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी व्रत है समझाया। बोले कृष्णा सुमंत नाम के एक ब्राह्मण थे, पत्नी का नाम दीक्षा था, वे धर्म परायण थे। अति सुंदर थी उनकी पुत्री जब वो हुई बड़ी, तभी अचानक उनकी पत्नी की फिर मृत्यु हुई। तभी सुमंत ने कर्कश से फिर दूजा विवाह किया, कौंडिन्य ऋषि से पुत्र सुशीला का है विवाह किया। कर्कश से ऋषि कांकर पत्थर दहेज में पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस दिन श्री नारायण प्रभु जी पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषि कौंडिन्या ने पत्नी संग किया है फिर प्रस्थान। सायंकाल तक एक नदी तट ऋषिवर गए हैं आन। तभी सुशीला के कुछ नारियों पर दृष्टि पड़ी, सुंदर वस्त्र पहन किसी के पूजन को थी खड़ी। फिर तो सुशीला ने जाकर है मन की बात कही, समझ गई है अनंत व्रत को, बोली ये है सही। तभी सुशीला ने भी उस व्रत का है पाठ किया, 14 गांठ का धागा अपने हाथ में बांध लिया। कौंडिन्य ऋषि धागे का फिर महत्व बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस दिन श्री नारायण प्रभु जी पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुशीला ने सारा वृत्तांत बताया है, किंतु ऋषि ने तोड़ के धागा तुरंत जलाया है, जिस कारण श्री अनंत प्रभु का हुआ बड़ा अपमान। जिसके चलते नष्ट हुआ ऋषिवर का धन और धान, बहुत ही निर्धन हो गए ऋषिवर, बहुत ही कष्ट हुआ। दुख का कारण जान के पत्नी से फिर धन्य हुआ। धागा ढूंढने ऋषि कौंडिन्य फिर वन में आए, बहुत दुखी फिर हुए ऋषि जब धागा ना पाए। प्रभु अनंत ऋषि के आगे प्रकट हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस दिन श्री नारायण प्रभु जी पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देख अनंत प्रभु को ऋषिवर चरणों में आए, प्रभु अनंत ने दुख के कारण उनको बतलाए। बोले भगवन घर जाकर तुम अनंत व्रत करो, हर जाएंगे दुख सारे, भंडारे खाली भरो। आज्ञा पाकर भगवान से ऋषि घर पर आए हैं, अनंत व्रत को पूरा कर फिर सुख को पाए हैं। 14 वर्ष पर्यंत व्रत कर मुक्ति पाते हैं,
ये तो अनोखी पावन विधि कृष्णा जी बताते हैं। सुनकर पांडव अनंत कथा वो धन्य हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस दिन श्री नारायण प्रभु जी पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत को युधिष्ठिर ने है पूर्ण किया, व्रत को करते करते सारे दुखों को दूर किया। महाभारत का युद्ध जीत कर पांडव धन्य हुए, चिरकाल तक किया राज सब गुण संपन्न हुए। जिसने भी इस व्रत को भक्तों तन मन से ध्याया, कट गई सारी विपदा फिर ना संकट है छाया। अधिकारी ने अनंत चतुर्दश कथा सुनाई है, मुनिन्द्र प्रेम जसुमिर शारदा कलम चलाई है। हम दोनों ही अनंत प्रभु को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस दिन श्री नारायण प्रभु जी पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जगतपते जग के पालनहार, आपके श्री चरणों में नमन है सौ सौ बार। पार ब्रह्म परमात्मा परम पिता तेरो नाम, स्वर्ग से पावन है प्रभु आपका वैकुंठ धाम। शंख चक्र गदा धारते और पदम तोरे हार, दया के आप निधान हो नाथों के हो ना। कल्प तरु के समान है आपकी कृपा ना, धन वैभव यश कीर्ति देते दीना ना। आनंद आनंद कंद श्री विष्णु भगवान, बालक हम नादान हैं दूर करो अज्ञान। रूप चतुर भुज आपका पावन परम सुहाय, चरण शरण में आए जो भव से वो तर जा। लक्ष्मी रमणा आप हो श्री नारायण आ, सब भक्तों के काटते पाप ताप संता। चिंता मणि बन के प्रभु सगरी चिंता मिटा, श्री नारायण बोले जो उसको शरण लगा।
धरा पे पापों का बढ़ने लगा था भार। धरा के भार को हरने को ले लिए थे अवतार। दस अवतारों की कथा पावन परम महान, जिसने सुनी भवतर गया जाए वैकुंठ धाम। श्री विष्णु के चरणों का भक्तों ध्यान लगा, दस अवतारों की कथा तुमको रहा सुना। अवतारों की है कथा कहते वेद पुराण, भक्तों ध्यान लगाइए कर लीजिए गुणगान। पहले मत्स्य अवतार को नमन है सौ सौ बार, प्रलय से बचाने धरती को धरे मत्स्य अवतार। मनु नाव में बैठ कर जो ही सागर था, आई प्रलय मनु धरती को मत्स्य अवतार बचा। कच्छप कहो या कूर्म कहो दूजा है अवतार, अपनी पीठ पे धारा था तुमने शिला का भार। सागर मंथन हो रहा शिला को कौन उठा, कूर्म रूप अवतार में श्री विष्णु जी आ। नारायण ने धरा वराह कथा अवतार, हिरण्याक्ष से दैत्य का तुमने किया संहार। हिरण्याक्ष की कैद से धरती को छुड़वा, दांतों मध्य में धार के ले पाताल से आ। नरसिंह रूप तो आपका चौथा है अवतार, हिरण्यकश्यप दैत्य का तुमने किया संहार। अपने भक्त प्रहलाद की तुमने जान बचा, गोदी बैठ प्रहलाद ने नारायण गुण गा। रूप में आपने वामन लिया अवतार, बलि नामक दैत्य को भव से लगाया पार। दानी बलि से आपने भूमि तीन पग मान, दो पग में नापी सृष्टि तीजी रखूं कांटा। बलि ने चरणों में आपके दे दिया शीश नवा, उसके शीश पे आपने दिया तपग धरा। बलि ने हाथ उठाई के करी थी जय जय का, बलि को अमर बना दिया महिमा अपरंपार।
परशुराम तो आपका छठा प्रभु अवतार। ब्राह्मण होकर भी प्रभु फरसाहत रहे था। तीन बार धरती करी क्षत्रियों से भी, जय जयकार लगा रहे सभी दीन और हीन। त्रेता युग में आपने धरा राम अवतार, पापी रावण का किया आपने ही संहार। मर्यादा पुरुषोत्तमा बन के राह दिखा, मर्यादा क्या होती है सृष्टि को दिया बता। युग में आपने धरा कृष्ण अवतार, पापी कंस कुमार के हरा धरती का भार। महाभारत के महानायक गीता ज्ञान पठार, भेद आत्मा के सभी सृष्टि को बतला। बुद्ध के अवतार में या शांति संदेश, अहिंसा परम ये धर्म है आपका है आदेश। मुक्ति फल जो पाना है बुद्ध की शरण में जा, बुद्धम शरणम गच्छामि सभी भक्त ये काम। रूप में कल्कि का धरोगे तुम अवतार, पीले घोड़े आओगे होकर तुम असवार। कलयुग का मिटा दोगे पाप ताप संता, पाप की राह बुहारते कब आओगे आ। भार प्रभु इस कलयुग का अब तो सहा नहीं जा, तुम बिन है कल की प्रभु हमको कौन बचा। संभल नगरी आपका पावन परम स्थान, इसी जगह पर जन्मेंगे श्री कल की भगवान। दस अवतारों की कथा पावन परम सुना, नारायण हरि नाम की मन में अलग जगा। जैसे धन्ना जाट के शालिग्राम बन आ, हम भी शरण है आपकी प्रभु वर पार लगा। जैसे मोहिनी रूप में लीला परम दिखा, वैसे ही प्रभु भक्त को अपनी शरण लगा। चरण धूल से आपकी चंदन तिलक लगा, हाथ जोड़ विनती करी प्रभु जी रहना सहा। विष्णु भगवान पावन तीरो नाम।
Yeah.
कृष्ण को भाई नारायण नारायण
माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण बच्चे नारायण 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे
जी की आरती।